खास अपील करनी है जो 2003 का जतन किया कि सानू ये लगता नहीं कि गिरफ्तारी है जिहड़े तरीके की रवैया उन्होंने अपनाया सी, क्योंकि जे मैं गिरफ्तारी करनी होंगी तो मैं लगता कि उन्होंने साढ़े घर तो सानू आ कह देना चाहिए कि असं गिरफ्तारी करनी चाहते हैं तो असी खुशी खुशी जी अपनी गिरफ्तारी है। तो दुनिया भर के सिखा ने रोस मुजहरे की, उन्होंने रोस मुजहरिया सिखा ने जी दिल की भावना प्रगट की। सो एक महीने के अनेक ही सिखा के उत्ते जो जुलम किया गया, अन्नेवाह फड़ोफड़ी की गई है, जिहड़े सिख नौजवान जिहड़े सिखी का दर्द रखते हैं, जिहड़े सोशल मीडिया से कुछ लिखते बोलते सी, उन्होंने भी हुकूमत ने इस तरीके जिहड़ा वाहिगुरु जी की फतेह अज समूह संतों नूं खास अपील करनी है। अज 23 अप्रैल 2023 है, लगभग एक महीना पहला जिहड़ा हिंदुस्तान की हुकूमत ने पंजाब की सरकार नाल मिल के जिहड़ा सिख कौम ते हमला किया सी, उदे विच उन्होंने सानू जिस तरीके घेराबंदी करके सानू गिरफ्तार करने का यतन किया, उस मौके सानू ये लगता नहीं कि गिरफ्तारी है जिहड़े तरीके की रवैया उन्होंने अपनाया सी, क्योंकि जे मैं गिरफ्तारी करनी होंगी तो मैं लगता कि उन्होंने साढ़े घर तो सानू आ कह देना चाहिए कि असं गिरफ्तारी करनी चाहते हैं तो असी खुशी खुशी जी अपनी गिरफ्तारी है। पर जो तरीका उन्हें अपनाया उस तो बाद एक महीना लगा तो स्टेट का पूरा चेहरा जो दुनिया सामने नंगा हो गया, दुनिया भर के वसदे सिखा ने जो दिल ने वो पसीजे गए तो उन्होंने जी सिख कौम से हमले की अपील महसूस किया, दुनिया भर के प्रोटेस्ट होए, दुनिया भर के सिखा ने रोस मुजहरे किए और उन्होंने रोस मुजहरिया सिखा ने जी दिल की भावना प्रगट की। सो एक महीने के अनेक ही सिखा के उत्ते जो जुलम किया गया, अन्नेवाह फड़ोफड़ी की गई है, जिहड़े सिख नौजवान जिहड़े सिखी का दर्द रखते हैं, जिहड़े सोशल मीडिया से कुछ लिखते बोलते सी, उन्होंने भी हुकूमत ने इस तरीके जो वतीरा किया, चुक चुक के जेलों से सुटिया गया। सो इस सारे वरतारे तो बाद सिख कौम एक भुलेखा जिहड़ा कौम का दूर हो जाता है, वो भुलेखा यह है भी असं बराबर के शहरी हाँ, संपूर्ण आजाद हैं, कई मन में भुलेखा से जो इस वरतारे तो बाद दूर होया। सो गिरफ्तारी का मैं पहला भी वजन किए कि ना गिरफ्तारी का को पहला डर से ना अच गिरफ्तारी का डर है, पर जो किसी स्टेट का चेहरा नंगा होना तो महाराज को बिद बनाते हैं। सो इस करके अज असी फैसला किया कि जिते अनेक नौजवान जेलों सुटे गए हैं, बेशक सारे को सारे राह आ कि असं इतों निकल के होरों मुल्कों भी जा सकी, पर मैं इस तरह का मनुख नहीं कि जो भीड़ पवे तो उदों अपने साथियों छड़ के किसी होर मुल्क तुर फिर। सो इस करके मैं फैसला किया अच्छ असी गिरफ्तारी देनी है 23 अप्रैल 2023 में उस जगह से गिरफ्तारी देने का फैसला किया जिस जगह तो सारा कुछ शुरू होया, जिस जगह तो मेरी दस्तारबंदी हुई है संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडराणिया के जन्म स्थान से जो गुरु घर बनया, उस गुरु घर के उत्तों जितों दस्तारबंदी हुई थी, जितों कौम ने इन्ना माण बख्शिया, उस गुरु घर के अज जाके मत्था टेक के सतगुरु सच्चे पातशाह का आशीर्वाद लैके जी गिरफ्तारी देनी है। उस तो बाद मेरी कौम को अपील है भी तुम अरदास बेनती करनी है, संघर्ष में जारी रखना है, तो जी खंडेबाटी की पहल तो जरा सू रोकया गया है जो प्रचार तो जेस खंडेबाटी की पहल छक ही आजाद हो सकते हैं, जेस खंडेबाटी की पहल छकन तो बाद ही साढ़े तो मौत का भय मुक्त हो सकता है, जिस तो बाद ही असं नशियां तो जो छुटकारा पा सकते हैं, उस खंडेबाटी की पहल जी असं ना छक सकी है। ऐसे माहौल पैदा किए गए खालसा वहीर जिन्हें पंजाब दे विच हजारां ही नौजवानों का नशा छुड़ाया, हजारां घर बचाए, उसनों रोकण दा बहुत जतन सी हुकूमत वालों। सो हुकूमत ने जो कुछ करना सी उन्हें कर लिया है, हुण मेरी संगतां नूं अपील है कि आपां इह संघर्ष नूं जारी रखना है, असीं खंडेबाटी दी जिहड़ी पौल है जिहड़ी लहर चलाई है उसनों जारी रखदे हां। नौजवानों नूं मेरी खास अपील है कि तुसीं खंडेबाटी दी पौल छकणी है। अज जिहड़ी गिरफ्तारी दी खबर है वह दुनिया भर विच पहुंच जूगी, संगतां नूं इक बेनती है कि चढ़दी कलदी अरदासां करनियां है, अरदास बेनती सतगुरु सच्चे पातशाह अगे यो करनी है भी जिहड़े बचन साडे कौम नाल होए ने असीं उहनां बचनां ते पूरे रहीए, सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा सदका ते संगत दी अरदास सदका अजे तक मन दे विच किसी किस्म का कोई डर को भय अजे तक नहीं सतगुरु ने लिआंदा। सो अगे भी इदां चलदा रहे, सतगुरु सच्चे पातशाह अगे यो अरदास है, पूरी कौम नूं अपील है कि इकट्ठे होकर रहना, आपसी इतफाक एकता जिहड़ी उह कायम रखणी है, क्योंकि इस मौके ते जिथों साडे दुश्मण ने साडे ते एडा वड्डा हल्ला कीता होवे, आपस के खानदानी शुरू करनी चंगी गल नहीं, जिहड़ियां जथेबंदियां ने मेरा सहयोग किया, जिहड़ी जथेबंदियां ने नौजवानों के नाल खड़न का तहिया किया, उन्होंने जथेबंदियों का तहे दिलों धन्यवाद है जिन्होंने इस मौके पर विरोध किया, सतगुरु सच्चे पातशाह उन्होंने समर्थ बख्शन,
ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਭੌਲ ਛੱਕ ਕੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਤ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਫਿਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੌਮ ਨੇ